हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ और चल रहा है, दिन कट रहा है। गर्मियों में बहुत गर्मी है, मतलब बाहर निकलना इतना पैथेटिक हो जा रहा है, मत बोलिए। इवनिंग के बाद, मतलब 6 बजे के बाद आप बाहर जा सकते हो, मॉर्निंग में 7 बजे तक जाके 8 बजे तक आ जाना, उसके बाद नहीं जा सकते। स्कूल का छुट्टी सब तो ज़रूर, मतलब लॉन्ग होगा, ज़रूर बढ़ेगा, वो पता ही है। वो मतलब जिस हिसाब से गर्मी हो रहा है और बारिश नहीं हो रहा है, बारिश होने से भी बहुत गर्मी हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा रिलीफ होता है, पर आप थोड़ा सा मतलब चलेगा वो एक हिसाब से, लेकिन ये गर्मी तो बिल्कुल हीट, बापरे बापरे। आपके यहाँ पे कैसा गर्मी है बताना, जो लोग यहाँ के हैं तो वो लोग को पता है, और जो लोग बाहर के हैं सेम ही है सब जगह पे, और क्या बताऊँ मैं। तो इसी बीच में रौजा फेस्टिवल चल रहा है, हम लोगों के यहाँ पे तो अलग से मनाते हैं, और कटक भुवनेश्वर साइड में रौजा फेस्टिवल तो धूम धड़ाका होता है, और हम लोगों के यहाँ पे भी पिठा पणा करते हैं, पर उतना मतलब जोर शोर से नहीं मनाते रौजा। 3 दिन तक पूजा वूजा नहीं करते, लड़के लोग पूजा करते हैं, एंड हम लोग कुकिंग करते हैं, पीठा पोड़ा बनाते हैं। तो मैं बनाई थी पोड़ा पीठा। पोड़ा पीठा रौजा फेस्टिवल में मस्ट बनता है, तो वो मतलब एक ऐसा पीठा ट्रेडिशनल है, पीठा है जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत वैरायटीज का बनता है, बहुत टाइप का बनता है। मुझे भी आता है 2-3 टाइप का। बचपन में मम्मी बनाती थी लाऊ पीठा, लाऊ पोड़ा पीठा, वो तो बहुत ही टेस्टी। मम्मी तो पूरा ऑथेंटिक वे में पूरा कढ़ाई में आग वाग मतलब नीचे जला के ऊपर आगे डाल के पत्र डाल के, वो जो क्या पत्ता बोलते हैं, केले का पत्ता, उसको डाल के बहुत अच्छे से बनाती थी, और वो मेरा फेवरेट था, है, रहेगा, मतलब जो आपका क्या बोली मैं, वो लाऊ पीठा, पोड़ा पीठा, लाऊ पोड़ा पीठा बहुत ही टेस्टी। पर लाऊ पोड़ा पीठा तो हम लोग नहीं बना रहे हैं, आज बना रहे हैं हम लोग नॉर्मल जो आपका बीदी चावड़ा पोड़ा पीठा, तो वो मैं बताऊंगी आपको, और पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगी कैसा बनाते हैं, तो वो तो दिखाऊंगी। उससे पहले और एक पोड़ा पीठा मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो सुंदरगढ़ में हमारे टीचर्स लोग लाते थे स्कूल में, वो है माखन पीठा। वो भी मतलब माखन जो बोलते हैं ना, हमारा पम्पकिन को वही चावल के साथ उसको वैसे ही मिक्स करके वो लोग बनाते हैं, बादाम पूरा डाल के, मस्त लगता है वो, एक मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एक, और ये लाव पिठा एक, वो दोनों ही मेरा फेवरेट है, और ये वाला भी पिठा फेवरेट, मतलब पिठा बनेगा ना मैं और कुछ नहीं, लंच में पिठा, डिनर में पिठा, सब में पिठा खाती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है। तो आप लोगों को पोड़ा पिठा पसंद है जरूर बताना। तो अभी हम लोग देखेंगे पोड़ा पिठा कैसे बनाते हैं, चलिए बना के आते हैं फिर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी स्टार्ट करते हैं। तो उड़द का दाल जो बीरी बोलते हैं उसे, उड़द का दाल एंड चावल दोनों को एक दिन पहले सोख करके रख देते हैं, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको अच्छे से ग्राइंड करके, थोड़ा सा हार्ड ग्राइंड करके उसको ले आए हैं ये वाला। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है मैं डाल रही हूँ गुड़, चीनी से भी बना सकते हो लेकिन गुड़ से ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखना एक जगह यहाँ पे आप लोग, मैं थोड़ा सा गुड़ को हाथ से कर रही थी लेकिन नहीं हुआ, वो हार्ड लग रहा था, तो उसको थोड़ा सा हेमंदस्ता में थोड़ा सा कूट के उसको लाने के लिए बोली, तो वो लेके गई है। तो अभी मैं उसको फिर इसमें डालूंगी, अच्छे से कूट के लाने से फिर इसमें डालेंगे, और देखिए जो हमारा पेस्ट है उसका थिकनेस ऐसा ही नहीं रहेगा लास्ट तक, देखना आप लोग, ये तो बहुत ही हार्ड है, वो बाद में थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा, कब होगा मैं दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए गुड़, बहुत सारा गुड़, जिस मतलब यहाँ पर जितना लगेगा मिठाई, मतलब मिठास के हिसाब से, जितना मीठा आपको पसंद है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। तो मैंने गुड़ तो डाल दिया है और थोड़ा सा लगेगा गुड़, तो चलिए इसको अच्छे से अभी फेंटते हैं, और बीच बीच में जो एक एक गुड़ रह जाएगा उसको हाथ से ही हम लोग तोड़ देंगे। तो उसको फेंटना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके हिसाब से आपका वो सॉफ्ट बनता है, ठीक है, उड़द का दाल जो फूल जाता है ना थोड़ा सा। तो बस, तो देखिए मैं गुड़ को ये हाथ से ही मसल दे रही हूँ ताकि वो पाउडर बन जाए, जो ज़्यादा बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा तो मेल्ट हो जाता है, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, मतलब पीठा बनने के बाद वहाँ पर ही वो स्प्रेड हो जाता है, और वो तो टेस्टी लगेगा ही छोटा छोटा रहने से, ज़्यादा बड़ा होने से थोड़ा सा कर देना चाहिए। तो ये देखिए मैं गुड़ को अच्छे से तो मिक्स कर दी हूँ, अभी इसमें हम लोग बाकी भी बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स डालना है हमें, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी। इसको थोड़ा फेंट रही हूँ मैं धीरे धीरे करके, और गुड़ को मसल रही हूँ सबको। चलिए अभी ढेर सारा नारियल मैं कट की थी, देखिए ये दो तीन नारियल है ये, उसके बाद काजू और ढेर सारा पिस्ता, मैं काजू कम डाली हूँ पिस्ता ज़्यादा डाली हूँ, एंड ढेर सारा किशमिश, तो ये उसका ड्राई मतलब जितना भी ड्राई फ्रूट्स है वो डाल दिए। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ डाल सकते हो, जैसे आप यहाँ पर
बादाम भी डाल सकते हो, तो मूंगफली जो बोलते हैं ना उसको छिलका निकाल के उसको भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डाली। तो बस हम लोग इतना ही डाले हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ, उसको फेंट रही हूँ। जो बड़ी डालते हैं ना, जो फेंटते हैं उसी टाइप का ही, थोड़ा फेंटने से ये फूलता है। और अभी मैं डालूँगी नमक, तो नमक भी थोड़ा सा देते हैं ताकि मिठास और उसका दोनों का पॉइंट आए, मतलब मिक्स अच्छा लगे। और ये तो डाल रही हूँ मैं गोलकी पाउडर, ठीक है, जो पेपर पाउडर है ना, गोल मरीचा पाउडर जो बोलते हैं, बस उसी को ही पाउडर वाला है, आप कूट के भी दे सकते हो। और उसके बाद थोड़ा सा नमक, जितना नमक स्वाद अनुसार, जितना उसको मतलब टेस्ट को इन्हेंस करे, वो नमक करता है ना मीट बैलेंस जो करता है मीठा, तो वो थोड़ा सा डालें। अभी उसको अच्छे से फिर मिक्स कर देंगे। और इसमें और भी बहुत कुछ डालते हैं, जैसे पान मोहरी डालते हैं या फिर और भी बहुत जन बहुत कुछ डालते हैं, पर मैं इतना ही डाली हूँ, हम लोग उतना ही डालें। और ये इलायची, इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर का अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इलायची का छिलका नहीं डालें, उसका जो बीज है उसको थोड़ा सा कूट के उसको डाले हैं। और बीच बीच में अभी तक गुड़ है, तो वो गुड़ को भी मैं एक एक करके मेल्ट कर रही हूँ। और मैं कैसे फेंट रही हूँ, देखिए बार बार उसको हिला हिला के अच्छे से फेंटना पड़ता है, वरना आपका फूलेगा नहीं वो अच्छे से। तो मैं दिखाऊंगी आपको वो कैसे फूलने के बाद भी होता है। देखिए अब भी मैं दिखाऊंगी ये कितना मतलब थिक रहना चाहिए, इसी थिकनेस में ही पीठा बनता है। तो देखिए अभी हम लोग देखेंगे इसका थिकनेस। ये देखिए मैं इसको अभी निकाल के चम्मच से दिखाती हूँ। देखिए ये जैसे निकला, जिस देखिए पता चल रहा है आपको, है ना। बस इसको लेके आप जहाँ पे पीठा बनाना चाहते हो पहले वहाँ पे थोड़ा सा ऑयलिंग कर दो। हम लोग गाय का घी नहीं देते हैं क्योंकि दीदी लोग बहुत जन नहीं खाते हैं घर में गाय का घी, तो ये वाला ऑयल डाल के पीठा को डाल दिए हैं उसके ऊपर, कवर कर दिए थे, और मैं उस टाइम पे शूट करना भूल गई, सॉरी। और देखिए ये एक साइड में हो चुका है, और एक पीठा भी हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, ये सेकंड वाला है। तो देखिए उसको कैसे पलट देंगे, उसको नीचे नीचे करके थोड़ा सा, उसके बाद देखिए कितना सुंदर से वो नीचे तरफ रेड हो गया है। अभी नीचे तरफ रेड होगा, उसके बाद कट कर दीजिए इसको केक की तरह, और पोड़ा पीठा बन गया है छोटे छोटे पीस में। देखिए मैंने ये कट कर दिया है, और टेस्टी, बहुत ही टेस्टी बना था पोड़ा पीठा। मैंने तो दिन में भी खाया, मतलब लंच के टाइम पे भी खाया, जो काट रही थी उसके बाद भी खाया, और उसके बाद मैंने रात में भी खाया। तो मेरा तो लंच एंड डिनर पिठा ही बना, क्योंकि उसके साथ आप सब्जी खा सकते हो, चटनी खा सकते हो, आपका मर्जी, आप जो खा सकते हो, खाली भी खा सकते हो, ऐसे प्लेन पिठा भी खा सकते हो, है ना। आप लोगों ने देखा पोड़ा पीठा कैसे बना, आपको कैसा लगा। छोटे छोटे साइज में हमने कट कर दिया है उसे, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो कट करते करते ही एक दो खा ली, मतलब उसके बाद, मतलब जैसे कट खत्म, उसके बाद जो नीचे वाला रहता है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, वो मैं खा ली। मेरे को इतना पसंद है। और उसके बाद बाकी तो कर दिए हैं, रात में सबको ही खाएंगे, ऐसा नहीं है कि सबको ही इसको ही खाएंगे, ऐसा मिक्स करके खाएंगे, रोटी भी बनाएंगे हम लोग उसके बाद। तो बस आपको पोड़ा पीठा अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप लोग भी कमेंट में लिखिए कि आप लोग भी पोड़ा पीठा बनाते हो, आप लोगों को भी कौन कौन सा पोड़ा पीठा ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप लोग मतलब वही सब कमेंट में लिखना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को ताकि सब लोगों के पास पहुँच पाए। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर रखता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।